हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इसराइल फ़लस्तीन इशू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट बेसिकली इस एरिया को बोला जाता है जो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ होता है, और जो इसराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, और मिस्र का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये सब मिल करके मिडिल ईस्ट का एरिया बनाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि आप ये जानो मिडिल ईस्ट क्या होता है। अब ईस्ट के तौर पे हम ये जानेंगे कि एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जब भी बात आती है तो वो एरिया इसी के तौर पे आइडेंटिफाइड होता है। तो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मिडिल ईस्ट कौन सा वाला पार्ट होता है, तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन हमें देना होता है कि मिडिल ईस्ट मेडिटेरियन सी से लगता हुआ इसराइल, सीरिया, जॉर्डन वाला जो हिस्सा होता है उसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से काफ़ी अशांत सा रहा है। यहाँ पे पीसफुल एरिया बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं। ओस्लो एकॉर्ड जो हम जानते हैं, ओस्लो एकॉर्ड जो है वो इसी संदर्भ में बना था, यहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए। अब यहाँ पे क्या इशू बना, किस तरीके से ये अशांत क्षेत्र बना, क्या ये शुरू से अशांत क्षेत्र था या यहाँ पर पहले जो पीसफुल था ये, तो ये किस तरीके का इशू आगे बढ़ा, उस सबको आज हम एक एक कर जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और घंटी के बटन को दबाइए, ताकि जो भी हमारे थ्रू जो वीडियो में अपडेट होंगे वो उससे आपको परिचय मिलता रहेगा, वो आपके पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी। तो आइए देखते हैं क्या है इसराइल फ़लस्तीन इशू। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि जो इस वाले एरिए के ऊपर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम था, जब ओटोमन एम्पायर और जो ब्रिटिश जो फ्रेंडली कंट्रीज़ थी, अलाइड कंट्रीज़ थी, उनके उनमें एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। अब उसके अंदर हम सबको पता है कि ओटोमन अम्पायर के पूरी तरह हार हुई थी, और उसके बाद में ओटोमन अम्पायर के जो जो कॉलोनीज़ थी, जो उसके जीते हुए क्षेत्र थे, उसको बांटा गया था। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने उसको अपने हिसाब से उसको बांटा, और जो जो मिडिल ईस्ट का ये क्षेत्र था जिसे हम आज इसराइल के तौर पर जानते हैं, उस क्षेत्र पर काफ़ी संख्या में ज्यूज़ भी रहते थे और अरब पीपल भी रहते थे यहाँ पे। तो फिर ब्रिटेन ने यहाँ पे क्या किया कि ज्यूज के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए और उनकी राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए एक सोची समझी एक रणनीति के तहत वहाँ पे बढ़ना प्लान करना चालू कर दिया। वो ज्यूज में जहाँ पर वर्ल्ड में थे उनको सबको एक जगह इकट्ठा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और ज्यूज़ यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। ज्यूज पीपल, हम सभी जानते हैं ज्यूज कौन होते हैं और किस तरीके का वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंतर्गत हिटलर ने इनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार किए थे, तो वो सब हम उस चीज़ से परिचित हैं। और इस तरीके से इसराइल का निर्माण हुआ, किस तरीके ज्यूज़ यहाँ पे बढ़ने लगे, तो ये एक सिचुएशन है जिसको हम केवल 1956 और 57 में जो वॉर हुआ, जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ और इसराइल ने किस तरीके से जो अरब कंट्रीज थे उनको हराया, तो ये एक काफ़ी लंबी एक श्रृंखला रही है जो आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ी है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि एक जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज थे जिसके ऊपर जो जैसे वेस्ट बैंक हो गए, गाजा स्ट्रिप हो गई, और ये इश्यू जो आगे की तरफ बढ़ा, जैसे कि वेस्ट बैंक जो था वो जॉर्डन में, जो जॉर्डन कंट्री है, तो जॉर्डन की जो रिवर के जो वेस्टर्न साइड में था उसको वेस्ट बैंक बोला जाता है। तो ये जो इसराइल बना 1948 के अंतर्गत एक जो रेजुलेशन के तहत इसराइल का निर्माण किया गया, उसके बाद में उसने जो जॉर्डन था उससे ये वाला एरिया एक्वायर कर लिया। तो गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा स्ट्रिप बेसिकली जो इसराइल है उसने मिस्र के नॉर्दर्न वाला जो एरिया है वहाँ से गाजा स्ट्रिप उन्होंने वहाँ से ली थी। तो ये जो जेरूसलम था, जेरूसलम भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो मुस्लिमों, क्रिश्चियनों और ज्यूज़ों तीनों के लिए धार्मिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रही है, और तीनों ही चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा बनाए रखें। तो अब क्या हुआ, देखो 1967 के अंदर जब हम आते हैं, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात जब ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को क्षेत्र के तौर पर आइडेंटिफाइड कर दिया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक ज्यूज लोग रहने लग गए, अपना होमलैंड की तरह इस एरिया को डेवलप किया उन्होंने। फिर एक 1948 के अंदर एक रेजोल्यूशन के तहत यहाँ पर इसराइल को सेटल किया गया, इसराइल बनाया गया, और जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो फ़लस्तीनी लोग थे, उनको धीरे धीरे वो दरबदर हो गए, वहाँ से हटा दिए गए। कुछ जो फ़लस्तीनी थे वो लेबनान चला गए, काफ़ी सारे फ़लस्तीनी थे वो सऊदी अरब चले गए, कुछ मिस्र की तरफ चले गए, और कुछ जो थे वो जॉर्डन और सीरिया की तरफ भी चले गए। जिस तरीके से फ़लस्तीनियों की जो राष्ट्रीयता थी वो बिखर गई, और उनके राष्ट्र के तौर पर जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे जाने लग गया। अब 1967 के अंदर के जो अरब कंट्रीज़ थी, जिनमें मिस्र था, सीरिया थी, जॉर्डन था, लेबनान था, इन सब ने मिलकर जो इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, ताकि वो उसके ऊपर मिलिट्री कंट्रोल कर सके। और जो वेस्ट बैंक था,
वेस्ट बैंक था, जो जैसे मैंने पहले बताया कि जॉर्डन से वेस्ट बैंक लिया गया था, तो जॉर्डन वाले जो एरिया वेस्ट बैंक हुआ, गाजा स्ट्रिप हो गया, इजिप्ट के जो था उसके ऊपर पूर्ण कंट्रोल करने के लिए एक अटैक किया गया 1967 वॉर जिसे बोला जाता है, इसराइल फिलिस्तीन इश्यू के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर था जिसने पूरे वर्ल्ड को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये इशू है क्या, आखिर क्यों ये क्षेत्र इतना शांत सा रहने लग गया था। फिर क्या हुआ कि PLO फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक संगठन था, जिसके बाद में यासर अराफात ने भी इसको अपना नेतृत्व प्रदान किया, और यासर अराफात वहाँ के जो लॉन्गेस्ट जो सर्विंग जो लीडर थे उसमें से वहाँ पे रहे, और PLO को एक निश्चित उन्होंने एक फॉर्म प्रोवाइड करी। अब फलस्तीनी जो बेस था बेसिकली वो जॉर्डन से कोलेप्स होने लग गया था, क्योंकि जॉर्डन में और फलस्तीनियों में भी एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ गई थी, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन के अंदर फलस्तीनी थे वो जॉर्डन की तरफ आने लग गए थे। जॉर्डन जो है बेसिकली ईस्टर्न साइड में, जो इसराइल है उसके ईस्टर्न साउथ साइड के अंदर बसी हुई कंट्री थी, जहाँ से एक जॉर्डन रिवर फ्लो होती है। उस जॉर्डन की जो वेस्टर्न साइड में जो एरिया था उसको वेस्ट पश्चिमी किनारा या फिर वेस्टर्न कोस्ट बोला जाता है, वेस्टर्न कोस्ट बोला जाता है, पश्चिम किनारा बोला जाता है, वेस्ट बैंक बोला जाता है। तो ये जो अब इस जो वॉर हुआ 1970 के अंदर, इसमें PLO की हार और जॉर्डनियंस जो थे वो वहाँ पर फिर से काबिज हो गए। और जो फिर जो यहाँ से फिलिस्तीनी जो मिलिटेंट थे वो जो यहाँ से निकले, यहाँ से जॉर्डन की तरफ से निकले, तो वो कहाँ चले गए, वो लेबनान की तरफ चले गए। लेबनान एक कंट्री है जहाँ पर बेसिकली क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन कई कई बार वहाँ पे इस्लामिक जो लोग हैं वो उनके भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये लैंड रहा। अब जब फिलिस्तीनी लोग जॉर्डन छोड़कर लेबनान की तरफ गए, तो उन्होंने जो एरिया एक्वायर किया उनको उन्होंने फतह लैंड के नाम से अपना एरिया घोषित कर दिया, जो PLO ने वहाँ पर जीता। अब टेंशन कंटिन्यूसली बढ़ने लग गई, किसके बीच में, इसराइल के बीच में और हमास के बीच में। अब हमास यहाँ कहाँ से आ गया वो भी इम्पोर्टेंट है। अब ये वॉर वहाँ पर काफ़ी टाइम तक चलता रहा। इस टाइम पीरियड के दौरान कभी जॉर्डन ने, कभी सीरिया ने, और कभी मिस्र ने अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर इसराइल से शांति समझौते किए और अपने अपने एरिया को वापस लेते रहे। जैसे सिनाई आइलैंड जो है, जो कि लाल सागर के ऊपर, लाल सागर हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और जिसके थ्रू मैक्सिमम जो स्वेज कैनाल भी वहीं पे सिचुएटेड है। स्वेज कैनाल, एक बार स्वेज कैनाल का जो संकट था वो भी उभर के आया था, क्योंकि सिनाई जो प्रायद्वीप था वो 1967 के वॉर के बाद में इसराइल ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। अब सिनाई प्रायद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जहाँ से लाल नहर और जो भूमध्य सागर है उसको जोड़ने वाली स्वेज नहर निकाली गई थी फ्रांस के जो आर्किटेक्ट थे उनके थ्रू। अब वहाँ पे कब्जा होने का मतलब था मिस्र का एक बहुत ही बड़ा मार्ग जो है, जो बिजनेस रूट है, वो बंद हो जाना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मिस्र के ऊपर अब कोई चारा नहीं रह गया था 1967 के वॉर के बाद में कि वो एक शांति समझौता करे। और जब ये शांति समझौता हुआ तो शांति समझौते के तहत जो मिस्र था उसने इसराइल को मान्यता दे दी। तो ये एक अरब जगत के अंदर बहुत ही बड़ी सनसनी की तरह रहा कि मिस्र जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है उसने इसराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी, उसकी मान्यता को स्वीकार किया। तो ये मान्यता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस मान्यता के बदले में इसराइल ने जो सिनाई प्रायद्वीप का एरिया था वो मिस्र को वापस से दे दिया। अब जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स हम जानते हैं कि सीरिया इस वॉर के अंदर जो 1967 का जो 7 डे वॉर हुआ था उसमें सीरिया का भी जो गोलन हाइट्स वाला एरिया था वो इसराइल ने कब्जे में अपने कर लिया था, वो कब्जे में कर लिया था। और इसके बाद में जॉर्डन वाला जो एरिया था वो भी इसराइल ने कब्जे में किया था। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर, इस टाइम पीरियड में जो इसराइल और जो फिलिस्तीन और जो जो डिफरेंट डिफरेंट अरब कंट्रीज थे उनके बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो मीटिंग्स हुई, जो समझौते हुए, उसके बाद में अलग अलग स्वरूप में इनके रिलेशन प्रगति करते रहे। और जो वर्तमान स्वरूप में है, कभी वॉर जैसी कंडीशन और कभी मीटिंग और कभी इनको स्वीकृति प्रदान करना, एक सोशल स्वीकृति मान सकते हैं, जिसे हम एक इंटरनेशनल स्वीकृति मान सकते हैं, वो प्रोवाइड की गई इसराइल को। किंतु इन सब के बीच में भी जो फिलिस्तीनी थे, फिलिस्तीन के जो मूल निवासी थे, वो आज भी बेघर ही थे, और उनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। आज भी हम देखते हैं तो जो गाजा पट्टी है, जो भूमध्य सागर पे इसराइल का लगता हुआ क्षेत्र है, गाजा पट्टी जो है उस पर हमास और जो PLO उनके बीच में आज भी एक वॉर की जैसे सिचुएशन बनी रहती है, ताकि वो जो फिलिस्तीनी है, दोनों ही ग्रुप जो है, हमास और PIO जो दोनों ही ग्रुप है, PLO दोनों ही उस जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके लीडरशिप का दावा करते हैं। और समय समय पर इनके बीच में, इन गुटों के बीच में भी लड़ाइयाँ आपसी होती रहती हैं। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है
जो बहुत बड़ा एरिया जो है उसमें पावर ऑफ कंट्रोल करने के लिए जो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर जो चलता रहता है, जिसके कारण से ये क्षेत्र बहुत ही अशांत सा रहता है। अब बीच में आपको ध्यान है जो अरब स्प्रिंग हुआ 2011 के आसपास, उसके बाद में जो सिचुएशन उभरी, उसके बाद में लीबिया में किस तरीके से चेंजेस आए, इसके अलावा जो मिस्र में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी सारे ग्रुप उसमें उठ गए और एक सिया सुन्नी विवाद भी वहाँ पे उठने लग गया। तो ये अपनी जगह है सिया सुन्नी विवाद, और जो अरब फलस्तीन विवाद था वो अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल जब हम मिडिल ईस्ट की पिक्चर देखते हैं तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों ये क्षेत्र इतना शांत सा है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया से पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा शांत क्षेत्रों में आज भी ये क्षेत्र काउंट होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब ये इसराइल की जो बाउंड्रीज है वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पूरा एरिया यहाँ पे क्लियर हो सके। देखो ये इसराइल का पूरा एरिया है, और जो ये स्वेज कैनल है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहीं पर ही सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई पेनिनसुला, जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं। इस सिनाई पेनिनसुला को इसराइल ने 1967 के वॉर के बाद में कब्जे में कर लिया था, फिर कई दौर की मीटिंगों के बाद में और इसराइल को मान्यता देने के बाद में सिनाई प्रायद्वीप को वापस से मिस्र को दिया गया। और जस्ट सिनाई प्रायद्वीप के ऊपर और इसराइल के बीच में जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी पर आज भी अरब अरब जो पीपल्स हैं, फिलिस्तीनी पीपल्स हैं, उन लोगों का कब्जा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में अरब और फिलिस्तीन लोग रहते हैं। और ऊपर की तरफ हम बढ़े तो जेरूसलम वाला एरिया आता है। तो इसराइल की वर्तमान राजधानी जो है जेरूसलम इसराइल ने घोषित कर रखी है, लेकिन इससे पहले तेल अबीब थी। तेल अबीब जो इस जेरूसलम एरिया से थोड़ा सा जो मेडिटेरियन सी है उधर की तरफ पड़ता है, जैसे कि मैप में देख रहे हैं मेडिटेरियन सी के ऊपर तेल अबीब वाली पॉपुलेशन, तेल अबीब जो इनकी स्टेट कैपिटल है वो स्थित है। और अब बाद में जस्ट कुछ महीनों पहले जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल घोषित किया गया। अब ये काफ़ी डिस्प्यूट वाला इशू रहा है कि जेरूसलम जिसके ऊपर मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए और जो ज्यूज हो गए, तीनों ही अपना दावा करते हैं, अपने धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करते हैं और अपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर क्षेत्र पर दावा करते हैं। उस क्षेत्र को अचानक इसराइल की राजधानी घोषित करने से कॉन्फ्लिक्ट और जो एक टेंशन वाला माहौल था वो वापस से जनरेट होगा। कुछ कंट्रीज ने इसराइल की इस घोषणा का स्वीकार भी किया और मान्यता भी प्रदान करी, जिनमें अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो इस तरह के कंट्रीज ने उनको आइडेंटिफाई किया कि हाँ जेरूसलम को वो इसराइल की कैपिटल के तौर पर स्वीकार करते हैं। और जो डेड सी है जिसके ऊपर इसराइल का ही कब्जा है, डेड सी के ऊपर भी ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में, जैसा कि हम देख सकते हैं ये समुद्र से काफ़ी नीचे की तरफ है और इसका जो पानी वो काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी खारा माना जाता है, खारा है यहाँ पे। और ये जॉर्डन रिवर है, जैसे कि हम देख रहे हैं जॉर्डन रिवर के जो पश्चिमी क्षेत्र पे जो है उसको वेस्ट कोस्ट बोला जाता है, वेस्ट बैंक बोला जाता है। और ईस्टर्न साइड में जॉर्डन कंट्री, जैसे कि हम मैप में देखें, उससे ऊपर की तरफ सीरिया है। जैसे कि हमने बताया कि 1967 के वॉर के बाद में जो गोलन हाइट्स थी, जो सीरिया की पहाड़ियाँ थी, उसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ लेबनान है, हालांकि लेबनान एक क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किंतु यहाँ पर अरब कंट्रीज़ के लोग भी हैं जिनमें अक्सर कॉन्फ्लिक्ट सा देखने को टाइम टू टाइम मिलता है। तो ये ऑल अबाउट है जो बाउंड्रीज है इसराइल की, वो इस तरीके से मैप के अंदर हम देख सकते हैं। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसराइल की हिस्ट्री को समझने के लिए उसकी पूरी बाउंड्रीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जस्ट रेड सी के थोड़ा सा आगे चलती सऊदी अरब की बाउंड्रीज चालू हो जाती है। तो ये ऑल अबाउट इसराइल के बारे में है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बताया गया है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि सीरिया की गोलन हाइट्स, लेबनान की शहवास फार्म्स और फलस्तीन टेरिटरी जिसको स्टेट ऑफ फलस्तीन भी हमें कहा गया, तो वो सारा का जो जो डिस्प्यूटेड एरिया वो मैप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक ग्रीन लाइन इंस्टीट्यूशन है जिसने 1949 के अंदर आर्मिस्टिस एग्रीमेंट किया था, जिसमें इसराइल की जो बॉर्डर थी लेबनान के साथ में उसको डिफाइन किया गया था। गोल्डन हाइट्स थी सीरिया की, वो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के अंदर था ईस्ट साइड के अंदर, गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट इन साउथ, उन सबको उसने इस समझौते के तहत डिफाइन किया गया। अब जो बॉर्डर इजिप्ट के साथ थी वो इंटरनेशनल बॉर्डर डिमार्क हो चुके 906 के अंदर, 906 जब वहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था तो उस समय उसको डिफाइन किया जा चुका है, उसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और वो जो बेसिकली था, वो जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसके बीच में था, यूनाइटेड किंगडम और ओटोमन एम्पायर के बीच में था। अब इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी हुई 1979 के अंदर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके तहत क्या हुआ था, सिनाई आइलैंड और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज थे मिस्र के वो वापस से मिस्र को दे दिए गए थे। और जो पीस ट्रीटी हुई जॉर्डन और इसराइल के बीच में, इसराइल उस समय इसराइल अस्तित्व में नहीं था, तो जो पीस ट्रीटी हुई जॉर्डन और यूके के बीच में उसके तहत उसकी जो लाइन ऑफ बॉर्डर थी वो डिफाइन किया गया था।
अब इसमें आगे बताएगा कि 1967 के अंदर जो 7 डे वॉर हुआ था, जो ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन चला था, 6 डे वॉर भी बोला जाता, कई कई जगह इसको 7 डे वॉर भी पढ़ने को मिलेगा। उस वेस्ट बैंक को इसराइल ने अपने कब्जे में कर लिया था, वो आज भी आफ्टर 1967 से आज भी दिनांक आज जो दिनांक है 27 सितंबर 2020 तक भी ये इसराइल के ही कब्जे के अंदर है। और हालांकि जोर्डन ने इसक जो अपना जो क्लेम था वेस्ट बैंक के ऊपर, उसको रिनाउंस कर दिया, हटा दिया। और वो किस लिए हटाया उन्होंने, ये मानते कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो PLO जो है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, यासर अराफात जो उसके नेता रहे हैं, उसके पक्ष में अपने जो हित थे वेस्ट बैंक के ऊपर उसको छोड़ दिया। अब ओस्लो एकॉर्ड, 1993 में ओस्लो एकॉर्ड आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एकॉर्ड है, आपको इसको ढंग से पढ़ना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि ओस्लो एकॉर्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या इसका इश्यू था, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ओस्लो एकॉर्ड क्या है और ये किन कंट्रीज के बीच में हुआ, किस क्षेत्र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओस्लो एकॉर्ड आया था, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अभी किसके बीच में था, 1993 के अंदर इसराइल के जो ऑफिशियल्स थे यिट्ज़िक रविन एंड फ़िलिस्तीनियन लीडर थे फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यासर अराफात, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके बीच में ओस्लो पीस एकॉर्ड हुआ था। अब ये क्रिशल बहुत ही क्रूशल माइन स्टोन था, क्योंकि दोनों कंट्रीज बिल्कुल ब्लड बात हो चुकी थी, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी थी, दोनों जो ग्रुप थे वो दोनों ही बड़े खतरनाक से मिडिल ईस्ट की जो पीसफुल जो पॉपुलेशन थी, पीसफुल जगह थी, उसको पूरी तरह डिस्टर्ब कर चुके थे। तो यह जो एकॉर्ड आया वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने, और दोनों को जो अपने पक्ष थे उसको रखने का मौका भी इस एकॉर्ड के थ्रू मिला। 1993 में इसको फाइनलाइज किया गया और फ्रेमवर्क जो था इसराइल फ्यूचर फ़िलिस्तीन रिलेशन का, इसके थ्रू डिफाइन किया गया। अब जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ओस्लो एग्रीमेंट का, ये था कि इसराइल जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने जो कंट्रोल फ़िलिस्तीनी टेरिटरीज के ऊपर वो अपना रिसीड करेगा, और इन एक्सचेंज फॉर पीस, ताकि वहाँ पर एक पीस शांति स्थापित की जा सके। ओस्लो प्रोसेस वाज डेलिकेट द प्रोग्रेस ऑफ इट्स स्टार्ट द प्रोसेस टू कैट टर्निंग पॉइंट ऑफ द असैसिनेशन ऑफ द यिट्ज़िक रविन एंड फाइनली अनराउल्ड व्हेन द अराफात एंड यिट्ज़िक ब्रेक फेल्ड टू रीच एग्रीमेंट टू कैम्प डेविड इन जुलाई 2000। अब जुलाई 2000 में कैम्प डेविड एग्रीमेंट भी हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कैम्प डेविड एग्रीमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एकॉर्ड था जो इस पूरे एरिए के अंदर शांति स्थापित कर सकता था, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो इसराइल साइड में जो इसके यिट्ज़िक रविन थे, उनकी जो उनकी हत्या हुई, इसके बाद में ये बिल्कुल ही अपने पटरी से उखड़ गया और ऐसा एकॉर्ड जो था बिल्कुल एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा था, वो अपनी पोजिशन में वहीं पर रुक गया। इसके बाद में भी कई बार वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट 2002 में हुआ, 2007 में वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, और आज भी टाइम टू टाइम या फिर गाय बगाए वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू बनते रहते हैं, और जिसकी वजह से जो वहाँ के ग्रुप है, हमास हो गया, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई और इसराइल हो गया, उनके बीच में किसी न किसी बात के ऊपर, किसी न किसी इशू के ऊपर वहाँ पे इशू बढ़ता रहता है, और वहाँ पे ब्लड बाथ जैसी कंडीशन हो जाती है, काफ़ी हज़ारों लोग जो वहाँ रहते हैं उनके ऊपर बहुत ही एक अशांति सी स्थिति हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़ हो गई, वो सब काफ़ी इस प्रकार की जो अशांति वाली स्थिति, केओस जैसी सिचुएशन है, उसकी वजह से बड़े डिस्टर्ब से हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक विकासपूर्ण कार्य करना तो संभव ही नहीं है, और किसी प्रकार के डेवलपमेंट एरिया फ़िलिस्तीनी एरियाज़ में करना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आज भी ये जो एरिया है वर्ल्ड के सबसे पिछड़े हुए एरियाज़ में आता है, हालांकि इसराइल ने तकनीकी तौर पर काफ़ी उन्नति करी है, चाहे वो अमेरिका के हेल्प से हो या यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प से हो, वो आज भी वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस कंट्रीज में आता है, किंतु जो उससे लगते हुए क्षेत्र है जैसे फ़िलिस्तीन के जो एरिया है, वो आज भी वर्ल्ड के सबसे अनडेवलप्ड एरिया में आते हैं। इस कारण से यूनाइटेड नेशन ने आज भी फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, कुछ इंस्टीट्यूशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनेस्को ने फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, किंतु हम सब जानते हैं कि यूनेस्को के रिकॉग्नाइजेशन के बाद में अमेरिका ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, इसराइल उसके यूनेस्को से बिल्कुल अनटाइड सा हो गया। इस तरीके की सिचुएशन जो है वर्ल्ड राजनीति को अंदर तक प्रभावित करती है, साथ ही साथ हमें यह भी बताती है कि UNO इस क्षेत्र में आकर किस तरीके से इनएक्टिव सा हो जाता है। वर्ल्ड की एक ऐसी प्रॉब्लम जो एक पोटेंशियल रखती है वर्ल्ड वॉर थर्ड को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें UNO किस तरीके से डील कर रहा है, किस तरीके से इनएक्टिव वाली पोजिशन रख रखा है उसने, और किस तरीके से जो मानवाधिकारों का हनन उस क्षेत्र में हो रहा है, तो उसके प्रति किस तरीके से UNHRC है, तो उसकी इनएक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक इस तरह इशारा करती है कि आज भी UNO पर जो वर्ल्ड की जो शक्तिशाली कंट्रीज है उनका पूरी तरह नियंत्रण है, वो चाहे जिस तरीके से इश्यूज का एनालिसिस करते हैं, और चाहे जिसके ऊपर अपने एक्टिवनेस दिखाते हैं, और किसी पर्टिकुलर इशू पर वो बिल्कुल इनएक्टिव से हो जाते हैं, चाहे उसके परिणाम कितने ही भयंकर क्यों ना हो।
तो दैट्स आर द ऑल अबाउट इसराइल फिलिस्तीन वॉर, इसराइल फिलिस्तीन जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है उसके अंदर किस तरीके से सिचुएशन हो गई, ये सारे उसके बारे में वर्णन के अंदर था। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि आपके नॉलेज में वृद्धि हुई है, किसी प्रकार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको फायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। और हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए किसी इशू के साथ में, नए किसी किसी टॉपिक के साथ में। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो के देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।